हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास एट्थ साइंस चैप्टर सेवन, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारे वीडियो पार्ट वन में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है एंडेमिक स्पेसीज, यानी एंडेमिक स्पेसीज क्या है। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, और जैसे जो ग्रुप जो होता है वो क्वाइटली एंटर्स यानी धीरे से एंटर करता है डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में। चिल्ड्रन आर सरप्राइज्ड टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल, जो बच्चे होते हैं बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं ये देख करके कि एक बहुत बड़ी स्क्वायरल, बहुत बड़ी बड़ी गिलहरी है। दिस स्क्वायरल हैज अ बिग फ्लफी टेल, उसकी जो टेल है वो क्या है, बहुत बड़ी है और फ्लफी है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वे उसमें उसको जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। माधव जी टेल्स देम, माधव जी उन्हें बताते हैं दैट दिस इज नॉन एज द जाइंट स्क्वायरल, कि इसे जाइंट स्क्वायरल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, और ये इस एरिया के लिए क्या है, एंडेमिक है। अब एंडेमिक क्या है, एंडेमिक स्पेसीज क्या है वो जान लीजिए। एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज, ये वो स्पेसीज होती है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो क्या होता है किसी विशेष स्थान पर यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, वो प्राकृतिक रूप से वो हर जगह नहीं होते, एनीवेयर एल्स। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री, यानी कोई भी जो एंडेमिक स्पेसीज होती है वो प्राकृतिक रूप से कहीं भी ऐसे नहीं पाई जाती। वो किसी पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल होता है या कोई भी प्लांट होता है किसी एंडेमिक जोन में या किसी स्टेट में या किसी कंट्री में हो सकता है। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो, अब माधव जी क्या दिखाते हैं इसमें, साल का जो ट्री होता है, जो मैंगो, जो वाइल्ड मैंगो होता है उसको दिखाते हैं एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ, ये इसके दो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं एंडेमिक स्पीसीज के। तो आप यहाँ देख सकते हैं वाइल्ड मैंगो और इसमें साल का जो ट्री होता है, ये जाइंट स्क्वायरल आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, जिसके बारे में भी बताया था कि बहुत बड़ी गिलहरी होती है, बहुत बड़ी स्क्वायरल होती है। और यहाँ पर साल के बारे में नहीं दिया है, जो साल का जो ट्री होता है वो क्या होता है, खास तौर से जो फर्नीचर की जो लकड़ियाँ होती है वो उसी की बनाई जाती है और जो काफ़ी मजबूत भी होती है, तो खास तौर से फर्नीचर के लिए साल और जो सागौन होता है उसी के पेड़ों का यूज किया जाता है। आई हैव हियर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज मे वैनिश, यानी बहुत सारी जो मैंने सुना है कि बहुत सारी जो एंडेमिक स्पीसीज होती है वो क्या हो सकती है, वो कभी भी समाप्त हो सकती है। इज इट ट्रू, क्या ये सही है। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो एंडेमिक फ्लोरा जो होता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो अभी बताया मैंने आपको कि साल जो होता है, जो वाइल्ड मैंगो होता है, एक होता है बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के जो बाइसन हो गया, इंडियन जायंट हो गया, इंडियन जायंट स्क्वायरल होगी और फ्लाइंग स्क्वायरल जो होती है ये एंडेमिक फौना इसको कहा जाता है उस एरिया का, जो कि रिजर्व है उसके अंदर। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन करते हैं कि destruction of their habitat, उनके जो घर जो होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनके habitat जो होते हैं उनको, उनके destruction के बारे में बताया, उनका जो घर छीन लिए गए हैं, destruction का मतलब वो उनके घर को उजाड़ दिया गया है, क्योंकि हमें लैंड की ज़रूरत होती है जगह जगह, तो हम क्या करते हैं पेड़ों की कटाई करते हैं, तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट, यानी जो उनके नेचुरल जो हैबिटेट होते हैं, जो उनके प्राकृतिक रूप से जो उनके आवास होते हैं नई स्पीसीज के लिए, एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो उनकी जो स्पेसीज है उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ रहा है।
तो यानी उनको रहने के लिए क्या चाहिए, अपना नेचुरल हैबिटेट चाहिए, नहीं तो वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। स्पेसीज क्या होती है, स्पेसीज का मतलब जाति होती है। पूरी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जिनके अंदर जिनमें क्या होता है इंटरब्रीडिंग भी होती है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ऑन स्पेसीज एंड नॉट विद अदर विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पेसीज। यानी एक स्पेसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो अपने ही तरह के जो ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं उनको जन्म दे सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो मेंबर जो होते हैं एक स्पीसीज के उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी कॉमन होते हैं। एक्टिविटी 7.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। आप जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज जो होती है, जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, उसको आप फाइंड कर सकते हैं, उसके अपने अपने पास में नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एंडेमिक स्पीसीज है। सोन पहली सीज आ बोर्ड विद पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। यानी बहुत जल्दी ही उसने पहले ने क्या देखा, एक बोर्ड देखा जिस पर क्या लिखा था, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट। प्रोफेसर अहमद जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। यानी जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जितने भी जंगली जानवर होते हैं, सभी को प्रोटेक्शन देता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन, माधव जी आगे एक्सप्लेन करते हैं दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग या पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी सेंचुरीज होती हैं वो ऐसे प्लेसेज होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी एनिमल को किलिंग करना यानी मार देना या उसको कैप्चर करना या उसको पकड़ना क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। यानी सख्ती से ये बताया जाता है कि उसको वहाँ पर वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड का मतलब वहाँ पे मनाही होती है इस चीज़ के लिए। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी ऐसे ही थ्रेटेंड एनिमल्स भी होते हैं लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक पिंक हेडेड डक, और घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन है, राइनोसोर्स है, और आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रिजर्व भी होते हैं। सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। यानी जो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके जो डेल्टाज हैं वहाँ पे जो जगह है उन पे, या भी जो माउंटेन जो होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लैंडस्केप्स भी होते हैं वो, तो वहाँ क्या होते हैं, इंडिया में बहुत सारी सेंचुरीज वहाँ पे बनाई गई है, यूनिक वो लैंडस्केप होते हैं जहाँ पर प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन नेबरहुड एनक्रोच अपॉन डैम एंड डिस्ट्रॉय डैम। अब ये बहुत ही दया की बात है कि वहाँ पर जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं आर नॉट सेफ, वो भी सेफ नहीं है बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, क्योंकि आसपास में लोग रहते हैं, एनक्रोच अपॉन डैम, और वो उनपे क्या कर देते हैं, कभी कभी हमला भी कर देते हैं, डिस्ट्रॉय डैम, और उनको नष्ट भी करते रहते हैं। चिल्ड्रन आर रिमेंड ऑफ देयर विजिट टू द जू। यानी बच्चे जो होते हैं वो जू में भी जाते रहते हैं, जू में भी देखते हैं। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेज वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। यानी जो जू जो होते हैं वहाँ वो भी ऐसी जगह होती है, ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक जू में और एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों में क्या अंतर होता है। एक्टिविटी 7.7, विजिट आर नियर बाई जू। एक जो भी जू होता है, जो भी चिड़ियाघर जो होता है इसके आसपास में, तो वहाँ जाए, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइड टू द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स को जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई है उसको ऑब्जर्व करे। वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, क्या वे एनिमल्स के लिए सुटेबल है। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, यानी जो एनिमल जो होते हैं क्या इस तरह की जो आर्टिफिशियल जो सेटिंग होती है, यानी जिस तरीके से उसको रखा जाता है आर्टिफिशियली, जो कि नेचुरल तो वो है नहीं, तो क्या वो सही है। इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, उसके प्राकृतिक जो उसका हैबिटेट होता है, जो आवास होता है उसका,
उसकी जगह पर जो उसको आर्टिफिशियल दिया गया है, क्या वो उसमें सेफ है या क्या उसमें सुरक्षित महसूस करता है? इन योर ओपिनियन, आपके विचार में, विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट? तो आपके विचार में कि एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल जू में होते हैं या जो उनका नेचुरल हैबिटेट जो होता है, क्या वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं? इसके बाद आते हैं नेशनल पार्क्स। ऑन द रोड साइड देर वॉज अनदर ब्रॉड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। यानी रोड साइड में, रोड साइड पर क्या होता है, देर इज अनदर बोर्ड, वहाँ पे एक और भी बोर्ड लगा हुआ था जिस पे क्या लिखा था, सतपुरा नेशनल पार्क, चिल्ड्रन आर नो ईगर टू गो देयर। तो बच्चे जो है वहाँ जाने के लिए बहुत इच्छुक थे, बहुत उत्सुक थे। माधव जी टेल्स देम, माधव जी ने उन्हें बताया दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। माधव जी उन्हें क्या बताते हैं कि जो जितने भी ये रिजर्व्स होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, और पूरा जो इकोसिस्टम जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। यानी दे प्रिजर्व, वो प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं, फोना यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले, लैंडस्केप हो गया और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उस एरिया के, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का सबसे पहला फॉरेस्ट को रिजर्व करने वाला नेशनल पार्क है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो सबसे अच्छी जो इंडियन टीक कर मानी जाती है प्लांट जो होता है वो सबसे वहीं पे पाया जाता है, सबसे अच्छा जो होता है वहीं पे पाया जाता है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जो रॉक शेल्टर जो होते हैं वो भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंसेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स। यानी इन जंगल्स में प्री हिस्टोरिक जो एविडेंस होते हैं, जो प्रूफ होते हैं ह्यूमन लाइफ के, वो भी वहीं पे पाए जाते हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। तो वे हमें आइडिया देते हैं लाइफ का, प्रिमिटिव पीपल यानी पहले जो लोग थे वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। उन शेल्टर्स में कुछ रॉक पेंटिंग्स भी है जो उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कुल मिलाकर के 55 शेल्टर जो होते हैं वहाँ आइडेंटिफाई किए गए, देखे गए। वहाँ पे फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। उन पेंटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, उनकी फिगर बनाई गई है, जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग यानी एनिमल्स और मैन जो होते हैं, आदमी जो होता है उनकी फाइटिंग करते हुए, हंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब करते हुए वहाँ पे उनकी पेंटिंग्स दिखाई गई है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। बहुत सारे जो जो जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, ट्राइबल्स जो होते हैं, इनको सही एग्जैक्ट में उसका नाम नहीं पता क्या होता है ट्राइबल्स, लेकिन जंगल से बिलोंग करते हैं, जनजाति शायद इसको बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जो होती है जो जंगल के आसपास में रहती है वो उस एरिया में रहते हैं। ए चिल्ड्रन मूव अहेड। जो बच्चे जो होते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं। दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व का एक बोर्ड वो देखते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है, माधव जी एक्सप्लेन, माधव जी इसको एक्सप्लेन करते हैं दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। यानी माधव जी क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो था लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द कंट्री, कंट्री में, क्योंकि टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है इसलिए उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। यानी जो उसका जो ऑब्जेक्टिव, जो उसका जो उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट को बनाने का, ये एंश्योर करने के लिए जो सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, यानी जितनी भी टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उसका सर्वाइव करना, उसको मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस का मतलब उसके देख रेख करना कंट्री में, यानी ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने अभी बचे हुए हैं और उनकी संख्या को किस तरीके से और बढ़ाया जा सके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं, टाइगर हो गया, वाइट बफेलो होगी,
और भारतसिंघा हो गया। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनमें वो घूमते फिरते आपको दिखाई दे सकते हैं, नेशनल पार्क्स में भी और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उनमें भी। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग, यानी टाइगर क्या है, कैसी स्पेसीज है जो धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, हमारे जंगलों से। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हेयर। तो सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर उनकी संख्या को बढ़ते हुए देखा गया है, वहाँ पर उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए बड़ा ध्यान दिया जाता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क में ये सारे जितने जानवर के नाम मैंने बताए वो सभी होते थे पहले। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ ट्रेवल टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है जिनका जीवन खतरे में होता है, जिनकी जो स्पीसीज होती है खतरे में होती है, यानी जिनकी संख्या जो होती है, जिनका लेवल जो होता है डिमिनिश होता जा रहा है, धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उन स्पीसीज को बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, या उन एनिमल्स को बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बुजो इज रिमेंड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। बुजो जो होती है वो क्या करती है, इज रिमेंड द डायनासोर्स, कि डायनासोर भी जो है वो इस तरीके से रहे होंगे, विच बिकेम एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो गए फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सालों पहले, बहुत समय पहले। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो सर्वाइव करना जो होता हैज बिकम डिफिकल्ट, वो बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि उनकी जो प्राकृतिक आवाज होते हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता रहा है। और आगे कुछ और भी लिखा है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग द एक्सटिंक्शन, और क्या केवल जो बड़े जो एनिमल्स होते हैं क्या वही एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, क्या यही होता है कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो उन्हीं की वही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वही विलुप्त हो रहे हैं। माधव जी बताते हैं, पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स जो होते हैं उनकी अपेक्षा जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स, हम क्या करते हैं, जो स्नैक्स जो होते हैं उनको मार देते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, लिजर्ट्स, बैट्स एंड ऑल्स रेथलेसली विदाउट रिलीजिंग दे आर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम ये नहीं देखते, हम उसको रियलाइज नहीं करते कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इकोसिस्टम में। बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्स, उनको मार करके हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है लेकिन उनका जो इकोसिस्टम में जो उनका जो रोल होता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, जो आपने क्लास 7 में फूड चेन और फूड वेब के बारे में सीखा। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये एक फूड वेब या फूड चेन भी बनाते हैं, ये उसका एक हिस्सा होते हैं। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टाज एक्सेट्रा। यानी जो इकोसिस्टम जो होता है वो तो किससे बना हुआ होता है, ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें सारे क्या क्या मिलकर के बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, सभी एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी जो माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड होता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं इन एन एरिया, किसी भी एरिया में, अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, उनके साथ में नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जो होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे क्लाइमेट होगी, क्लाइमेटिक जितनी कंडीशंस होती है, सोइल होगी, रिवर होगा, डेल्टाज होगी, तरह तरह की गैसेज होगी, और सोइल के अंदर पाए जाने वाले बहुत से न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो सभी क्या होते हैं, ये सब भी उसका एक हिस्सा होते हैं। इसके बाद आता है रेड डाटा बुक, इस बुक के बारे में आपने शायद कभी पहले इसका नाम सुना है या नहीं सुना है, मैं इसको बता देता हूँ कि रेड डाटा बुक होती क्या है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक, डाटा बुक के बारे में बताते हैं अहमद, जो प्रोफेसर अहमद जो है टू द चिल्ड्रन, बच्चों को बताते हैं। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द
सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, यानी जो भी एनिमल्स या प्लांट्स जिनकी संख्या कम होती जा रही है, उनका रिकॉर्ड जो होता है पूरा एक रेड डाटा बुक में बनाई गई है, उसके अंदर इसको रखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। देर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, यानी अलग अलग जो रेड डाटा बुक जो होती है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए अलग होती है, एंड अदर स्पेसीज जो दूसरी स्पेसीज होती है उनके लिए अलग होती है। फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डाटा बुक यू कैन लॉग इन, एक इसमें के यहाँ पे एक साइट भी दे रखी है, अगर आप इसमें देखना चाहें रेड डाटा बुक के बारे में तो आप उसमें देख सकते हैं, ये वेबसाइट दी हुई है, इसको अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपको रेड डाटा बुक के बारे में पता लग जाएगा, और उनके उसके उसमें क्या क्या चीज क्या क्या रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे, और इसमें सारी डिटेल ही मिल जाएगी जो करंट की डिटेल्स होंगी। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? द एक्सर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी, यानी जो एक्सर्शन जो पार्टी जो होती है वो तब एंटर करती है घने जंगल में अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी के गाइडेंस में, गाइड करने के लिए। दे सिट नियर द तावा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, तो वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करने के लिए जो तवा रिजर्वायर जो होता है उसके पास में आकर के बैठ जाते हैं। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, पहली ऑब्जर्व करती है कुछ बर्ड्स को नदी के आसपास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, माधव जी उन्हें बताते हैं कि जो बर्ड्स हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सभी कैसे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। दीज बर्ड्स हैव लॉन्ग हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये कहाँ से आए हैं, ये संसार के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, ये जो वर्ल्ड है वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट से यहाँ पे आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यानी संसार के किसी भी हिस्से से, दुनिया के किसी भी हिस्से से दूसरे किसी हिस्से में, जहाँ पर उनको जो ऐसी कंडीशंस मिल जाती है जिस पर वो सर्वाइव कर सके, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स, वो उड़ते हैं फॉर लेइंग एग्स, एग ले करने के लिए यानी अंडे देने के लिए। एट द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, यानी वो वहाँ पर रह नहीं सकते क्योंकि उनका जो हैबिटेट जो होता है या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें होती है वहाँ अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए क्या कर जाते हैं वो माइग्रेशन कर जाते हैं, कहीं दूर पहुँच जाते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स जो होते हैं जो बहुत लंबी डिस्टेंस जो होते हैं रिकवर करते हैं किसी दूसरे प्लेस तक पहुँच जाते हैं उन्हें कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। एज पहली लर्नड इन क्लास सेवन्थ, जैसे पहली ने क्लास सेवन्थ में सीखा था इसके बारे में कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। What would happen if we had no wood? यदि लकड़ियाँ ना हो तो क्या होगा? Is there any alternative available for wood? क्या कोई लकड़ी की जगह कोई ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल की जा सके? I know that paper is one of the important products we get from forest. जंगल से जो पेपर जो होता है वो भी हम जंगलों से यानी पेड़ों से प्राप्त करते हैं। I wonder whether there are any alternatives available for paper. तो मुझे आश्चर्य है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं पेपर के लिए। इसके बाद आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, एक और नया टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी पेपर की जो रिसाइकलिंग होती है वो कैसे की जाती है। प्रोफेसर एम एस ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी डिफोरेस्टेशन का एक और कारण जो होता है उसकी तरफ उनका ध्यान खींचते हैं। ही टेल्स देम, वो उन्हें बताते हैं दैट It takes 17 full ground trees to make 1 ton of paper. यानी एक टन पेपर बनाने के लिए 17 full ground trees, यानी पूरे जो बड़े पेड़ जो होते हैं 17 पेड़ों की जरूरत पड़ती है तब जा करके एक टन पेपर बनता है। Therefore, we should save paper. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स प्रोफेसर अहमद जो है ये भी बताते हैं दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज, कि 5 से 7 बार उस पेपर को रिसाइकलिंग की जा सकती है उसको यूज़ करने के लिए अगेन एंड अगेन।
इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट वन शीट ऑफ पेपर इन अ डे, यदि एक दिन में एक स्टूडेंट केवल एक शीट भी बचाता है पेपर की, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, तो एक साल में हम बहुत सारे पेड़ बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज पेपर एंड रिसाइकल इट, हमें क्या करना चाहिए, जो वी शुड सेव रीयूज यूज पेपर, जो रीयूज जो पेपर जो होता है उसको हमें सेव करना चाहिए, उसको रिसाइकल भी करना चाहिए, जो जो रिसाइकलिंग से बना है उसको क्या करना चाहिए, इधर उधर ना फेंके, ठीक है, उसको भी रिसाइकलिंग करने के लिए अपने पास रखे, जैसे आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं खरीदने के लिए उसको, तो वो उनको देते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, इसके लिए हम केवल पेपर को ही नहीं बचाते, पेड़ों को नहीं बचाते, हम बहुत सारी एनर्जी भी बचाते हैं, क्योंकि अगर हम पेपर को बचा रहे हैं तो पेपर बचाने का मतलब क्या है कि बहुत सारी एनर्जी जो उस पेपर को बनाने में यूज़ की जाती है, उसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको बनाने के लिए यूज़ की जाती है, उस एनर्जी को भी हम सेव करते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, और पेपर बनाने के लिए जितने भी हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनका यूज भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब उनका यूज कम हो जाएगा तो केमिकल जो होता है वो भी ज़्यादा यूज नहीं होगा और वो केमिकल्स भी बच जाएगा हमारा। इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? इसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन, ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, पेड़ों की कटाई होती है, जबकि रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, नए नए पेड़ लगाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन, तो प्रोफेसर अहमद उसको सजेस्ट करते हैं, उसका आंसर देते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का अगर कोई ये है कि डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकते हैं तो केवल रिफॉरेस्टेशन है। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, यदि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यदि हम पेड़ों की कटाई भी करते हैं तो उनकी जगह पर हम क्या करें, नए ट्रीज लगाएं, नए प्लांट्स लगाएं। द प्लांट ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, जो उस जंगल में काटे गए थे पेड़ उसी तरह के पेड़ वहाँ पर लगाए जाए, ताकि एक ही तरह के पेड़ों की कमी ना हो। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, जितने हम पेड़ काटते हैं कम से कम उतने जो ट्रीज होते हैं वो हमें प्लांट करने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, रिफॉरेस्टेशन जो होता है वो अपने आप भी होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बीज झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनसे भी नए नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ, अपने आप भी वो रीस्टैब्लिश होते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, यानी प्राकृतिक रूप से जो रिफॉरेस्टेशन होता है, देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें ह्यूमन बींग का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी मेड ट्रेमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट, हमने अपने जो फॉरेस्ट जो होते हैं उनको बहुत बड़े लेवल पर हमने इसको नुकसान होते देखा है। इफ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन है, यदि हम अपनी अपनी जो आगे आने वाली जो जनरेशन जो होती है अगर हम उसको ग्रीन वेल्थ देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया दैट इन इंडिया, कि इंडिया में वी हैव द फॉरेस्ट या कंजर्वेशन एक्ट, दिस एक्ट इज एम्ड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यानी हमारे देश में क्या है, कानून भी है और उसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट से संबंधित जितने प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है उसके लिए हमारे यहाँ कानून भी बने हैं। एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, और जो बेसिक नीड जो होती है उन लोगों की जो जंगल में रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी आस्क, कुछ आराम करने के बाद माधव जी क्या पूछते हैं, चिल्ड्रन टू स्टार्ट मूविंग बैक, वापस चलने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट, क्योंकि सूरज छिपने के बाद में हम वहाँ से बैक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जो जानवर जो होते हैं जंगली जानवर वो हम पर अटैक भी कर सकते हैं। ऑन गेटिंग बैक, वापस चलने पर प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम, तो सभी ने जो प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने भी और जो
बच्चे थे उन्होंने भी क्या किया, माधव जी को उनको उन्हें गाइड करने के लिए धन्यवाद दिया। और थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, उस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए जो उन्होंने उनको गाइड किया, जो भी उनको एक्सपीरियंस वहाँ से मिला, उसके लिए उन्होंने माधव जी को धन्यवाद किया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है।